हेलो वर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैंने आस्तीन के ऊपर गुम लैस लगाई है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मैं वॉइस ओवर के साथ गुम लैस लगाना सिखाऊं, तो मैंने पहले चाक पे गुम लैस लगाना सिखाई थी और घेरे पे भी सिखाई थी। तो ये मैंने सोचा कि मैं आस्तीन पे लगा रही हूँ दोबारा, तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर लूँ वॉइस ओवर के साथ, जिन बहनों को या जिन लोगों को समझ नहीं आई उनको दोबारा से समझ आ जाए। बहुत ही ईजी और बहुत आसान है। इस पे ये मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से मैंने मार्किंग कर ली है आस्तीन के किनारे पे। आप चाहें तो 2 इंचेस के फासले पर भी मार्किंग कर सकते हैं। ये मैंने जिगजैग लैस ली है। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि ये लैस मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है, क्योंकि मैंने चंद सूट सिलाई किए थे तो उनमें ये वाली लैस बहुत ज़्यादा यूज़ की थी। साथ ही मैंने वीडियोस बना ली ताकि आपके साथ शेयर करूं। आप कोई भी लैस लगा सकती हैं, जिगजैग के अलावा आप कोई भी शटल लैस भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए, जहाँ मार्किंग की थी मैंने, उसके ऊपर ऊपर ही बिल्कुल इसको रखना है और लैस को बिल्कुल नहीं खींचना। कपड़े को हल्का हल्का सा खींच लें आप और लैस के दाएं किनारे पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ इसको फोल्ड करके, कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर हमने रखना है और उसी तरह दाएं किनारे पर इसको सिलाई कर देना है जैसे पहले खाली लैस हमने लगाई थी। अब हमने इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेनी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको इस वीडियो में अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब इसको इस तरफ उल्टी तरफ हमने ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और ये लैस जो है बाहर की तरफ आ गई है। बहुत खूबसूरत लग रही है ये। इसका एक किनारा बाहर की तरफ आ गया और एक किनारा हमने अंदर दबा दिया है। देखिए, हमारी गुम लैस लग गई है बहुत ही परफेक्टली। कोई भी लैस आप इस तरह से लगा सकती हैं हाइड करके। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। Thank you.